हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। स्वागत है आपका पेंडलम ईडीयू पे। आज हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी सीरीज एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस की नेक्स्ट वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर जो कि हुआ था 3rd of July आफ्टरनून शिफ्ट में। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग सेक्शन को। क्वांट सेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? इन द मंथ ऑफ जून द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास वॉज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। In July, 5 more girls took admission, whereas 5 boys left the school. Now the number of boys or in girls is equal in the class. How many students in total were there in the class in June? Okay, तो ये बोल रहे हैं हमें कि number of girls अगर हम मान लें x हैं June में, तो number of boys जो हो जाएंगे हमारे, number of boys हो जाएंगे 2x। तो बताया जाता है कि जुलाई में क्या होता है, जुलाई में होता है कि गर्ल्स तो 5 ऐड हो जाती हैं स्कूल में और बॉयज़ जो हैं वो 5 चले जाते हैं। तो जुलाई में ये चीज़ होने के बाद नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ बॉयज़ के। तो x प्लस 5 को हम 2x माइनस 5 के इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10। अगर x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है तो जून में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? जून में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं x प्लस 2x, यानी कि 3x। 3x मतलब 3 इंटू 10 मीन्स 30 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे टोटल जून में थे क्लास के अंदर। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ गिवन लेटर्स, वी विल कंप्लीट द सीरीज। इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व ना करें। आपको एक साथ सीरीज में 3 से ज़्यादा लेटर्स या 3 या 3 से ज़्यादा लेटर्स दिए हों तो उनको यूज़ करके आप चेक करें कि जो उसके आगे पीछे के लेटर्स हैं वो क्या हैं, और आप कहीं उनको पूरी सीरीज में फिट कर सकते हो क्या। जैसे हम देखते हैं इन 5 वर्ड्स को, सी पी डी क्यू सी। अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर हमें इस वाले को अगर हम देखें, इस पेयर को, तो यहाँ पर क्यू सी है और ये स्टार्टिंग सी से है। तो हम चाहें तो हम यहाँ पर पी डी जो है इसको पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सी पी डी क्यू सी। यहाँ तक सी पी डी क्यू सी हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं हम, ये है क्यू डी पी सी। तो अगर हम इसको कंप्लीट करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्यू डी पी सी। तो ये हो जाता है क्यू डी पी सी पी डी क्यू सी, क्यू डी पी सी पी डी क्यू सी। तो अगर हम इसी सीक्वेंस में चलते हुए चलें तो क्यू सी के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे क्यू सी के बाद आ जाता है फिर वापस क्यू, और ये आ जा रहा है फिर देन डी पी, एंड देन फिर डी पी के बाद आ जाता है सी पी डी, और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्यू डी से पहले, ये हमारा क्यू डी है, यहाँ पर क्यू डी से पहले है क्यू सी। तो इसको लिख सकते हैं हम क्यू सी। तो इससे हमारा जो आंसर आता है वो आता है क्यू सी पी डी डी पी देन क्यू सी। ये हो गया क्यू सी पी डी डी पी क्यू सी, यानी कि आपका क्यू सी पी डी डी पी क्यू सी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग मयंक इज द सन ऑफ छाया, छाया एंड दीपा आर सिस्टर्स, गायत्री इज द मदर ऑफ दीपा, इफ नमन इज द सन ऑफ गायत्री, हाउ इज मयंक रिलेटेड टू नमन। तो जितने भी आपके ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक टर्मोलॉजी आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए। मैं अपनी टर्मोलॉजी आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो अगर वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन्स हैं वो रिलेशन शो करेंगी आपका पेरेंट्स का उनके चाइल्ड के साथ। देन डबल हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो होंगी वो शो करेंगी रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का। देन सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो रिलेशन शो करेगी सिबलिंग्स के बीच में। देन m/f हम यूज कर रहे हैं मेल को डिनोट करने के लिए और फीमेल को डिनोट करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ गया है। मयंक को हम m से डिनोट कर लेते हैं, मयंक को हम डिनोट कर लेते हैं m से, छाया को हम डिनोट कर लेते हैं c से, दीपा को हम डिनोट कर लेते हैं d से, गायत्री को हम g से डिनोट कर देते हैं, देन नमन को हम n से डिनोट कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। सो मयंक इज द सन ऑफ छाया,
मयंक सन है छाया का, तो पता लग जाता है मयंक जो है मेल है, थोड़ा स्पेस कम हो गया यहाँ पे, तो मयंक जो है सन है छाया का। अभी छाया एंड दीप आर सिस्टर्स, छाया एंड दीप आर सिस्टर बोला गया तो दोनों फीमेल होंगी। देन बोला गया है दीपा गायत्री द मदर ऑफ दीपा, गायत्री अगर दीपा की मदर है तो वो छाया की भी मदर होंगी, गायत्री भी फीमेल हो जाती है। देन इफ नमन इज द सन ऑफ गायत्री, नमन इज द सन ऑफ गायत्री मतलब कि एक और चाइल्ड है इनका नमन जो कि मेल हो गया, वो आपस में नमन छाया एंड दीपा जो है इस डायग्राम के थ्रू हमें पता लगता है कि तीनों भाई बहन हो जाते हैं। देन हमसे पूछा गया कि हाउ इज मयंक रिलेटेड टू नमन, मयंक इज रिलेटेड टू नमन, हाउ मयंक इज रिलेटेड टू नमन, तो हम बोल सकते हैं कि नमन जो होंगे वो होंगे अंकल मयंक के, और मयंक जो होगा वो नेफ्यू होगा नमन का, सो मयंक विल बी नेफ्यू ऑफ नमन, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक्ट हाउ द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर वुड अपीयर इफ इट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। तो इन क्वेश्चंस के लिए जब भी फोल्डिंग अनफोल्डिंग हो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको मिरर प्लेस करने की टेक्निक जो है उसको यूज करना है, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जैसे ये आपका इस साइड है तो आपको राइट साइड से इस साइड फोल्ड करना है, अगर आपको इस साइड फोल्ड करना है तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर जो है एक मिरर प्लेस कर दीजिए, और आपके पास इधर फिगर है ये, तो अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाफ पार्ट में, वो बनेगी कुछ इस तरह से। फोल्ड होने के बाद जो हमें फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी लाइक दिस, स्क्वायर, देन स्क्वायर के अंदर एक क्रॉस, देन दिस ट्राइंगल, देन दिस टी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज सेइंग सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर आर रिलेटेड। सो अगर हम ध्यान से देखें तो 442 है वो रिलेटेड है 21 से, अगर मैं 442 में से -1 कर दूं तो मेरे को मिलता है 441, और 441 का अगर मैं रूट कर दूं तो मेरे को मिल जाता है सेकेंड टर्म यानी कि 21। अभी मैं सेम लॉजिक के साथ जो है ऑप्शन को चेक करता हूँ, 257 में से 1 माइनस करने में मिलेगा मेरे को 256, और 256 का अंडर रूट होता है 16, ये लॉजिक सेटिस्फाई करता है यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अगेन अ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, तो इसमें हम सेम टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको डिस्कस करी है उस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। टी डिवाइड बाई वी मतलब कि ए डिवाइड बाई बी मतलब हो रहा है कि उसका ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सो टी डिवाइड बाई बी जो हो जाएगा टी विल बी द हस्बैंड ऑफ वी। अब वी प्लस क्यू लिखा है तो वी प्लस क्यू के लिए ए, अगर ए प्लस बी होता तो ए इज द मदर ऑफ बी, तो वी प्लस क्यू है तो वी इज द मदर ऑफ क्यू, वी इज द मदर ऑफ क्यू, अभी क्यू का जेंडर हमें पता नहीं है तो हम उसके लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं। देन क्यू माइनस जे, ए माइनस बी होगा तो ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो क्यू माइनस जे होगा तो क्यू विल बी द वाइफ ऑफ जे, क्यू विल बी द वाइफ ऑफ मतलब कि फीमेल हो जाती है वो, ऑफ जे, जे मतलब मेल हो जाता है। हमें रिलेशन सिर्फ टी और जे के में पूछा है तो हमें उससे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप यहाँ से ही बता सकते हो कि टी और जे में रिलेशन क्या है। टी और जे में रिलेशन ये है कि टी जो है फादर इन लॉ है जे का, यानी कि हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग थ्री, सीरीज क्या है हमारे पास 6, 24, 60, देन 120 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर मैं चेक करूँ तो 6 + 6 × 3 देखूंगा मैं तो मिलता है मेरे को 24, अगर मैं 24 + 6 × 6 कर देता हूँ तो 36 + 24 हो जाता है 60, देन 60 + 6 × 10 अगर मैं चेक करूँ तो ये हो जाएगा 120। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी सब, उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई करी, फिर देन 10 की मल्टीप्लाई करी, 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2,
इसको लिख सकता हूँ मैं 1 + 2 + 3, देन 10 को लिख सकता हूँ मैं 1 + 2 + 3 + 4। अभी इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी मल्टीप्लीकेशन में होगी 15, कैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि यहाँ तक तो 10 था ही, 10 + 5 = 15। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी 120 + 15 × 6, यानी कि 120 + 90 means 210। 210 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग चेसिस इज रिलेटेड टू कार इन द सेम वे स्केलेटन इज रिलेटेड टू चेसिस। वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कार बिल्ड होती है। सी इन द सेम वे स्केलेटन इज द स्ट्रक्चर ऑन विच ह्यूमन बॉडी इज बिल्ड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अगर ऐसा लगता है ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन नॉट अलाउड। रोटेशन अगर अलाउड नहीं है तो हम बता सकते हैं कि किसमें हमारी गिवन फिगर एम्बेडेड है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी फिगर है, ये फिगर है हमारी, देन दिस एंड दिस। तो ऑप्शन बी में हमारी जो क्वेश्चन फिगर है वो एम्बेडेड हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अगर सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट आर रिलेटेड। तो 84 है, देन 60 है एंड देन 51 है। तो मैं इसको ध्यान से देखूँ तो 84 डिवाइड बाई अगर मैं करूँ 4 तो मेरे को मिलता है 21, देन अगर मैं 60 डिवाइड बाई 2 करूँ तो मेरे को मिलता है 30, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा 51। अगर इसी सेम लॉजिक के हिसाब से मैं ऑप्शन को चेक करूँ, ऑप्शन ए को चेक करता हूँ मैं, 64 डिवाइड बाई 4 जो होगा वो होगा 4 × 4 एंड 4 × 6 = 24, देन 80 डिवाइड बाई 2 होगा हमारा 40, 40 + 16 हो जाता है आपका 56, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाता है। देन ऑप्शन बी को चेक करते हैं हम, ऑप्शन बी में 80 है, 80 डिवाइड बाई 4 होगा 20, 98 डिवाइड बाई 2 जो होगा वो होगा 49 एंड 20 + 49 होता है 69, यानी कि थर्ड टर्म हमें मिल गई है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट पिक करना है, सेल्स दी हुई हैं, एक वर्ड है एटम्स, देन टिश्यूज एंड देन ऑर्गन्स। अगर आप ध्यान से देखें तो सेल्स भी लिविंग थिंग में आ जाएगी, सेल्स आर लिविंग, टिश्यूज आर ऑल्सो लिविंग थिंग, ऑर्गन्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग और अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, एटम्स आर नॉन लिविंग थिंग। सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस मैन प्लेयर्स एंड फादर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी फादर्स होंगे वो जरूरी है कि वो मैन होंगे। सो मैन एक बड़ा सेट हो जाता है, देन उसका जो सबसेट होगा वो फादर्स होंगे। अब प्लेयर्स मैन भी हो सकते हैं, फादर्स भी हो सकते हैं, वीमेन भी हो सकती हैं। तो हम चेक करें तो हम इसको प्लेयर्स को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, थ्री डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग थ्री। तो हमारे पास तीन पोजीशंस हैं, तीन पोजीशंस, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट पोजीशन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड पोजीशन, इसको मान लेते हैं हम थर्ड पोजीशन। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को पोजीशंस को कंपेयर करूं तो इनमें दोनों में कॉमन क्या होगा, दिस इज अ ट्रिक, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको जितने भी क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के। तो इसे ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट में कॉमन, फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन फेस है वो है 6, तो मैं 6 को यहाँ पर एज इट इज लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद 6 से मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज अगर मैं चलूँगा तो मैं इस तरह से चलूँगा, यहाँ पर भी अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो इस तरह से चलूँगा। तो क्लॉकवाइज मेरे को सबसे पहले मिलता है 6 के बाद 2, देन 2 के बाद मिलता है मेरे को 4, इधर मिलता है मेरे को 6 के बाद 3, 3 के बाद मिलता है मेरे को 1। तो 6 के अलावा जो भी नंबर्स बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 2 के अपोजिट होगा 3, 4 के अपोजिट होगा 1। तो और 6 अगर इंडिविजुअली बच गया है तो 6 के अपोजिट सीधा 5 हो जाता है, क्योंकि और कोई नंबर बचा नहीं है।
तो अब हमें पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 3, 3 के अपोजिट है 2, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज अ सिलॉगिज्म क्वेश्चन। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनके बेसिस पर आपको कंक्लूजन बताने हैं कि वो ट्रू है, उसको फॉलो करते हैं स्टेटमेंट्स को या नहीं। तो चेक करते हैं हम स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट में बताया गया है हमें, इनको सॉल्व करेंगे हम वेन डायग्राम के हेल्प से। ऑल पार्क्स आर स्कूल, ऑल पार्क्स आर स्कूल्स, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम ऑल पार्क्स आर स्कूल्स को। देन नो स्कूल इज अ कॉलेज, नो स्कूल है कॉलेज, तो ये हो जाता है नो स्कूल है कॉलेज। अब बोला गया है नो कॉलेज इज अ स्कूल, तो ये ट्रू हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, लेकिन कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं है। सम स्कूल्स आर पार्क्स, सम स्कूल्स आर पार्क्स एकदम सही बात है, क्योंकि पार्क जो है इंक्लूसिव है स्कूल्स में, तो ये भी ट्रू हो जाता है। नो पार्क इज अ कॉलेज, नो पार्क इज अ कॉलेज, क्योंकि स्कूल्स में ही इंक्लूसिव पार्क्स हैं, तो और स्कूल जो है कोई भी स्कूल जो है वो कॉलेज नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोई पार्क भी कॉलेज नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 मतलब कंक्लूजन 3 भी सही हो जाता है, यानी कि ऑल द कंक्लूजन फॉलो, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर 3। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पहले इस पोजीशन पे है ये फिगर, फिर देन राइट क्लॉक वाइज चल के इधर चली जा रही है, देन फिर यहाँ से इधर चली जा रही है, यहाँ से इधर चली जा रही है, मतलब कि ये फिगर मूव हो रही है इस तरह से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर देन यहाँ, एंड देन फिर यहाँ पे वापस। तो अभी हमारी पोजीशन यहाँ थी, फिर देन यहाँ पे, एंड देन अब जो क्वेश्चन फिगर होगा उसमें पोजीशन होगी हमारी ये। तो इस तरह से पोजीशन है हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कोड लैंग्वेज कैन बी एज रिटन एज अ वाइल वाई ट्रिपल बी यू, हाउ विल पर्सनल बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। इन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज बनाएंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज आपको जैसे ही रफ शीट मिले एग्जाम में आप बना लीजिए, उसके बाद आपको उस अल्फाबेटिकल सीरीज पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। अभी कभी होगा कि 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो उसी अल्फाबेटिकल सीरीज को आप 4 क्वेश्चन के लिए यूज कीजिए। तो अब मैं बताता हूँ इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज बना लेते हैं हम, ए बी सी डी, देन ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी देन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हो जाता है 4, 8 चाचा के पेयर्स में मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज को डिवाइड किया है, 24 एंड देन 26। अभी सेल्फ की हेल्प कर लेके हम करते हैं कोड कन्वेयर को, सी ओ एन वी ई वाई ई आर, ये कोडेड है एफ एल क्यू वाई ट्रिपल बी यू में। अगर मैं सी से एफ तक जाऊँ, सी से एफ तक जाने पे मुझे 1, 2 और 3 3 लेटर्स तक जाना पड़ेगा, यानी कि सी प्लस 3 जो होगा वो एफ मिल जाएगा। देन ओ से एल तक जाने में मेरे को -3 जाना पड़ेगा, देन एन से क्यू तक जाने में +3, वी से वाई तक जाने में मेरे को अगेन +3 जाना पड़ेगा, ई से बी तक जाने में मेरे को जाना पड़ रहा है -3, फिर देन वाई से बी तक जाने में मेरे को जाना पड़ रहा है +3, ई से बी तक जाने में अगेन मेरे को -3 जाना पड़ रहा है, एंड आर से यू तक जाने में मेरे को पड़ रहा है +3 आगे जाना। तो यानी कि पहले लेटर पे मेरे को जाना पड़ रहा है +3, देन जाना पड़ रहा है मेरे को -3, देन जाना पड़ रहा है मेरे को +3, देन अगेन जाना पड़ रहा है मेरे को +3, देन फिर जाऊंगा मैं -3, देन जा रहा हूँ मैं +3, देन फिर अगेन -3, एंड देन लास्ट में +3। तो अब हम चेक करते हैं पर्सनल को, ये हो गया हमारा पी ई आर एस ओ एन ए एल पर्सनल। पी में +3 घंटे पे मेरे को मिलता है एस, ई में -3 घंटे में मिलता है मेरे को बी, आर में +3 घंटे पे मिलता है मेरे को यू, एस में +3 घंटे पे मिलता है मेरे को वी, ओ में -3 घंटे में मिलता है एल, एन में +3 घंटे पे मिलता है क्यू, ए में -3 घंटे पे मिलता है हमें एक्स, देन एल में +3 घंटे पे मिलता है हमें ओ, एस बी यू वी एल क्यू एक्स ओ, एस बी यू वी एल क्यू एक्स ओ, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सेइंग सेलेक्ट द सेट इन विच, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिटन इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट 4, 6, 52। तो अगर मैं देखूँ 4, 6 और 52 को,
अगर मैं, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इसमें, तो 4 का स्क्वायर कर दूं अगर मैं और 6 का स्क्वायर कर दूं और उनको ऐड कर दूं, तो आप देख रहे होंगे कि 4 4 16 प्लस 6 6 36 ये हो जाता है 52। सेम लॉजिक के साथ मैं ऑप्शन को चेक करता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 9 विल बी 34, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग दिस टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। एक इक्वेशन में लिखते हैं मैं लेफ्ट साइड को, सिर्फ 868 प्लस 14 इंटू 55 माइनस 1064 डिवाइड बाई 56। अगर मैं इसको सिर्फ अभी जो LHS है मेरे पास विदाउट एनी डूइंग एनी ऑपरेशन और इंटरचेंजिंग ऑफ साइंस मैं इसको सॉल्व करूं, तो 1064 और 56 को डिवाइड करने में मेरे को मिलेगा, सबसे पहले क्योंकि मैं डिवीजन ही करूंगा, तो ये हो जाएगा 7 8 56, देन 7 7, देन 7 5 35 एंड 7 2 14, इधर से करूंगा तो 8 1 8 एंड 8 9 72, तो ये हो जाता है 868 प्लस 14 इंटू 55 माइनस 19, 14 इंटू 55 हो जाएगा 14 5 70, देन 7 14 5 70 एंड 7 70 माइनस 19 प्लस 868। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 868 प्लस 70 जो है वो बहुत बड़ी डिजिट है और 19 एक छोटी डिजिट है, उससे कभी भी 117 तक मैं रिजल्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहीं पे ही देख रहा हूँ, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अगर मैं प्लस और माइनस के साइन को चेंज कर दूँ, प्लस और माइनस के साइन को अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरे को मिलता है माइनस 770 प्लस 19। सबसे पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे तो 868 प्लस 19 जो हो जाएगा 9 प्लस 8 17, 6 प्लस 1 इज 7 प्लस 1 8, 887 माइनस 770। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरे को मिल रहा है 7 देन 1 एंड देन 1 1 1 7, यानी कि मेरी RHS साइड मिल जाती है। प्लस और माइनस साइन को मैंने एक ऑपरेशन करने के बाद करा था, अगर मैं स्टार्टिंग में भी करता तो भी मेरे को कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं मिलता है। अगर यहाँ से प्लस को हटा देता और मैं यहाँ से माइनस को हटा के प्लस कर देता तो तब भी ये 19 आता है यहाँ पे, और ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, यहाँ पे अगेन ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, देन 117 ही आंसर होता है। प्लस एंड माइनस को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 46 कैट इक्वल्स टू 48 देन हाउ विल यू कोड सेव। इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल सीरीज याद होनी चाहिए, नहीं तो आप साइड में जो बनाई थी आपने उसको यूज़ कीजिए। सो ये हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज, डब्ल्यू का कोड होता है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो डब्ल्यू इज एक्स इज 24, तो डब्ल्यू एक माइनस है तो डब्ल्यू हो जाता है हमारा 23। तो अगर मैं देखूँ तो डब्ल्यू 23 है, यहाँ पर हमें कोड दिया है 46, यानी कि 23 इंटू 2 इक्वल्स टू 46। तो सिमिलर पैटर्न में अगर मैं कैट को देखूं तो कैट का अगर अल्फाबेटिकल सीरीज का कोड है तो 3 प्लस 1 प्लस टी इज 20, 20 प्लस 4 इज 24 एंड 24 इंटू 2 इज 48, 48 आ जाता है हमारा कोड। तो सिमिलरली सेल को अगर मैं कोड करूं तो सेल का कोड हो जाएगा, एस का कोड होता है 19, ए का कोड होगा 1, एल का कोड होगा 12, ई का कोड होगा 5, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 1 18, 18 इज 36, 36 प्लस 1 37, तो ज़्यादा 37 और 37 इंटू 2 करूँगा तो मेरे को कोड मिल जाएगा 37 इंटू 2 विल बी 74, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच जो है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्राइंगल्स कुछ पर्टिकुलर ट्राइंगल्स हैं उनको याद करने की। अगर आपके पास ट्राइंगल इस टाइप से है या फिर इस टाइप से है तो आपको क्या करना है, इस पर नंबरिंग करनी है 1 2 3, फिर इनको ऐड कर देना 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 ट्राइंगल्स जो होंगे टोटल इस फिगर से बनेंगे, 1 प्लस 2 इस फिगर से बनेंगे, 1 प्लस 2 यानी कि 3 ट्राइंगल्स इससे बनेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ यहाँ पर तो क्या होगा, एक ट्राइंगल जो है ये छोटे वाला ट्राइंगल बचेगा और एक उसके पीछे वाला जो ट्राइंगल था वो बड़े वाला ट्राइंगल, दोनों ही आपस में डिवाइडेड है, यानी कि 1 और 2 1 और 2, यानी कि टोटल इससे भी 3 ट्राइंगल्स बनेंगे, इससे भी 3 ट्राइंगल्स बनेंगे, यानी कि इस वाली फिगर से फिर अगर ये इस तरह से डिवाइड हो जाती है तो इससे बन जाएंगे टोटल हमारे, इस पे 1 2 लिखिए, इस पे 1 2 लिखिए, 3 ऊपर से प्लस 3 नीचे से, यानी कि टोटल 6 ट्राइंगल्स जो हैं इससे फॉर्म हो सकते हैं। तो मैं सेम लॉजिक को यूज़ करते हुए यहाँ पर देखता हूँ, एक ये रही, एक ये ट्राइंगल हो गया, ये एक ये, यानी ये देन फिर ये वाला एक ट्राइंगल हो जाएगा, देन उसके बाद ये
देन इसके बाद ये टोटल और ये टोटल, तो पहले वाले इस ट्राइंगल के साथ जो हो जाएगा हमारे थ्री हिस्से बनेंगे, देन इससे नीचे वाला जो पूरा ट्राइंगल है इससे अगेन थ्री बनेंगे, फिर इस वाले से एक और थ्री ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन होगा, ये ट्राइंगल जो है फिर अगेन थ्री ट्राइंगल्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, देन फिर ये पूरा ट्राइंगल जो है बड़े वाला वो अगेन थ्री में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है ये अगेन थ्री में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये इससे बड़ा ट्राइंगल जो है वो अगेन थ्री में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, देन दिस ट्राइंगल विल कॉन्ट्रीब्यूट अगेन थ्री ट्राइंगल्स टू द टोटल फिगर। तो ये अभी कितने ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 24 ट्राइंगल्स बन चुके हैं हमारे पास। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो दो ट्राइंगल्स मिस हो गए हमारे से, जो कि हैं ये ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल है ये, तो टोटल 24 + 2 यानी कि 26 ट्राइंगल्स जो होंगे प्रेजेंट हैं इस फॉलोइंग फिगर में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज अ मिरर इमेज क्वेश्चन। मिरर कहाँ पे प्लेस करने के लिए कहा है इन्होंने, व्हेन द मिरर इज प्लेस टू द राइट, इस चीज़ का ध्यान रखिए मिरर वो कहीं पे भी प्लेस करा सकता है, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, टॉप में, अगर यहाँ पे प्लेस करता है, जब भी आपको मिरर इमेज में वर्ड्स, लेटर्स और डिजिट्स दी जाएं तो आपको क्या करना है, आपको सारे पूरा का पूरा उसका मिरर इमेज बनाने के देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें करेंगे क्या हम, जो मिरर इमेज जब बनती है जो राइट साइड में होते हैं, जैसे कि राइट साइड में जो करेक्टर्स होते हैं वो सारे लेफ्ट करेक्ट साइड से स्टार्ट हो जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सब राइट साइड में पहुंच जाते हैं, यानी कि जो सबसे पास होगा मिरर के वो मिरर इमेज में भी सबसे पास होगा मिरर के, और जो सबसे दूर होगा मिरर के नॉर्मल इमेज में वो मिरर इमेज में सबसे दूर ही होगा। तो आपको क्या करना है, सब हर एक लेटर के मिरर इमेज बना के चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक दो मिरर इमेज ही चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले अब हम वन को चेक कर लेते हैं, वन की मिरर इमेज जो होगी, वन की मिरर इमेज कुछ ऐसे होगी, तो ये ऑप्शन ए भी पॉसिबल, ऑप्शन बी भी पॉसिबल, ऑप्शन सी भी पॉसिबल, ऑप्शन डी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब चेक करते हैं हम आर की, आर की मिरर इमेज कैसी होगी, आर की मिरर इमेज होगी हमारी कुछ इस टाइप से, ये होगी कुछ इस तरह से। तो आर की मिरर इमेज यानी कि ऑप्शन ए बचता है, ऑप्शन बी बचता है, ऑप्शन सी हट जाता है। नाउ हम चेक करते हैं बी की मिरर इमेज, ये रहा बी, बी की मिरर इमेज जो होगी वो बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो बी की मिरर इमेज इसमें अलग है, इसमें अलग है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन है एनालॉजी का, तो इसमें हमें अल्फाबेटिकल सीरीज का हेल्प लेना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज हम देखते हैं और उसके बाद इसको डिकोड करते हैं। तो बोला गया है क्यू डी यू जे इज रिलेटेड टू वी आई जेड ओ, तो क्यू टू वी जो है कितने 5 लेटर्स, अगर मैं जाऊँ तो क्यू से वी तक पहुँच जाऊँगा, देन डी टू आई जाने के लिए मुझे अगेन 5 लेटर जाना पड़ेगा, देन यू टू जेड जाने के लिए मेरे को अगेन 5 लेटर्स जाना पड़ेगा, एंड जे टू ओ जो है फिर अगेन 5 लेटर जाना पड़ेगा। तो सिमिलर पैटर्न में अगर मैं एल पी ए आर को चेक करूँ, तो एल पी ए आर में अगर मैं 5 लेटर्स आगे जाऊँ, पी के साथ भी अगर मैं 5 लेटर्स आगे जाऊँ, देन ए के साथ भी अगर मैं 5 लेटर्स आगे जाऊँ, आर के साथ भी सेम 5 लेटर्स आगे जाऊँ, तो एल के साथ अगर मैं 5 लेटर्स आगे जाता हूँ तो मेरे को मिलता है क्यू, पी के साथ 5 लेटर्स आगे जाने पे मिलता है यू, ए के साथ 5 लेटर्स आगे जाने पे मिलता है मेरे को एफ, एंड आर के साथ 5 लेटर्स आगे जाने पे मिलता है हमें डब्ल्यू, क्यू यू एफ डब्ल्यू, क्यू यू एफ डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, 16, 32, 62, 122, 246। अगर आप इससे ध्यान से देख पा रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं 16 को ट्वाइस कर दूँ तो मिल जाता है मेरे को 32, 32 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो मेरे को मिलता है 30, अगेन मैं 30 को ट्वाइस करूँ तो मेरे को मिलता है 60, 60 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा 62, 62 में अगेन मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को मिलता है 124, 124 में मैं माइनस 2 कर दूँ तो मेरे को मिलेगा 122, 122 में अगर ट्वाइस करूँ मैं और तो मेरे को मिलेगा 244 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरे को मिलेगा 246, तो 246 में अगेन मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फाइनल डिजिट लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिलेगा 2 6 12 कैरी ओवर 1, 2 4 8 एंड 1 9 एंड 2 2 4 492। अभी पिछले वाले जो
केस था उसमें हमने प्लस करा था, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस माइनस टू, यानी कि 490 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अगर ऐसे लग जाता हम दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज के लिए जो है हमें जो क्वेश्चन टर्म है इसको फाइंड करना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जे से एम तक जाने पर मेरे को जे के एल देन एम प्लस 3 करेक्टर्स जो है आगे जाना पड़ रहा है। देन एम से पी तक जाने में अगेन मेरे को प्लस 3 करेक्टर्स आगे जाना पड़ रहा है, एम एन ओ पी। देन फिर मेरे को पी से अगर मैं सेम लॉजिक को फॉलो करता जाऊँ तो प्लस 3 करूँगा, तो पी के बाद प्लस 3 करने पर आता है पी क्यू आर एंड देन एस, यानी कि प्लस 3 पर मेरे को मिलेगा एस। तो पहले टर्म जो है वो हो जाएगी एस, हमारी क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है टर्म जो है उस क्वेश्चन टर्म की उसका हो जाते हैं हमारी फर्स्ट टर्म एस। तो एस के साथ सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाता है एलिमिनेट, ऑप्शन डी हो जाता है हमारा एलिमिनेट। तो बी और सी में फिर हम सेकेंड वर्ड चेक कर लेते हैं क्योंकि थर्ड वर्ड जो है वो सेम है, तो पी एंड क्यू डिफरेंट डिफरेंट है, पी होगा या क्यू होगा वो देख लेते हैं हम। अगर मैं वी और टी में देखूँ तो टी यू वी, यानी कि अगर मैं माइनस टू कर दूँ तो मेरे को मिल जा रहा है टी। देन अगेन मैं टी से आर जा रहा हूँ तो माइनस टू कर दूँ तो मैं मिल जा रहा है मेरे को आर एस टी। देन आर से फिर मैं माइनस टू करूँगा तो मेरे को मिलेगा आर क्यू एंड देन पी, तो पी क्यू आर मिलता है मेरे को माइनस टू करने पर। आर से मैं पहुँचता हूँ पी पे, तो एस के बाद आएगा पी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो सब पसंद आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो बोलता है सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विद द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर आर रिलेटेड। नेफ्रोलॉजी इज रिलेटेड टू किडनी, नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स यानी कि किडनी जो है वो हमारे नेफ्रॉन्स से बनी होती है, इसीलिए उसका जो टर्म है उसकी स्टडी का वो वहाँ से आया है, नेफ्रोलॉजी इस तरह से उसका नाम पड़ा। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी होता है हमारा हार्ट की स्टडी को, हार्ट के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते भी हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सेम ऑप्टेल्मोलॉजी जो होता है वो आईज के लिए होता है, ऑप्शन ए तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया था क्योंकि कार्डियोलॉजी लीवर से रिलेट करा हुआ है, वो होता है हार्ट से। ऑप्थेल्मोलॉजी होता है आई से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और भी चेक कर लेते हैं हम, पैथोलॉजी जो होता है वो पैथोजन्स या डिजीज के लिए जो है उनकी स्टडी के लिए होता है, तो ये भी हट जाता है। जूलॉजी जो होता है वो होता है एनिमल्स के लिए ना कि प्लांट्स के लिए, तो ये भी ऑप्शन डी भी हट जाता है, बचता है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारी वीडियो एनालिसिस खत्म होती है यहाँ पर, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं। बाकी जो हमारी वीडियोज़ पड़ी हैं चैनल पे उनको जाकर देखिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।